morning, children. How are you? Ah, must be fine. बहुत दिनों से हमने कोई कहानी नहीं सुनी, तो चलो हम अपने बच्ची मीडिया में आज एक सुंदर सी कहानी सुनते हैं, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि हमें कभी भी किसी का बुरा क्यों नहीं करना चाहिए। और कहानी का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। तो तुम चित्र में देख रहे हो कि एक प्यारा सा छोटा सा हाथी है और उसके हाथ में केला है। तो जानते हो बच्चों ये हाथी कौन है? ये हाथी एक नदी के किनारे छोटे से जंगल में रहा करता था और रोज उसी नदी के किनारे एक सुंदर से गांव में एक धोबी रहा करता था, जिसके पास वो सुबह सुबह मिलने जाया करता था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जब हाथी अपना सूंड उसके हाथ में देता था तो धोबी उसके सूंड में एक केला थमा देता था और ये सिलसिला रोज सालों तक चला। मगर एक दिन धोबी को कहीं किसी काम से बाहर जाना पड़ा और उसने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं काम से कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो तुम ऐसा करना कि कहीं वो हाथी भूखा ना रह जाए। तुम क्या ऐसा कर सकते हो कि कल केला तुम दे दो? बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी, आप जाइए। और ऐसा करके उसने अपने पिताजी को शहर भेज दिया। मगर जानते हो बच्चों, वो बच्चा बहुत शैतान था। उसने क्या किया, जब हाथी सुबह सुबह केला लेने आया तो उसने उसको केला नहीं दिया, उसने एक बड़ी सी सुई उसके सूंड में घुसा दी। उसे लगा जब मैं ऐसा करूँगा तो फिर हाथी बहुत परेशान हो जाएगा और मुझे बहुत मज़ा आएगा देखने में कि हाथी फिर क्या क्या करता है। हाथी डर से चिंघाड़ता हुआ वापस भाग गया। मगर जब हाथी नदी के किनारे पहुँचा तो उसके भी दिमाग में एक बात आई, ऐसा करता हूँ ये कीचड़ वाला पानी मैं अपने सूंड में भर लेता हूँ और जाकर धोबी के लड़के ने जितने भी कपड़े एकदम साफ किए हैं मैं ये सारा गंदा पानी उसके कपड़ों पे डाल दूंगा और कल उसकी अपने पिताजी से डांट पड़ेगी। और बच्चों पता है फिर क्या हुआ? धोबी का लड़का आराम से बैठा हुआ था और सोच रहा था, मेरे सारे कपड़े सूख गए, अब इनको मैं तह लगाता हूँ, तब पिताजी खुश होकर मुझे इनाम देंगे। मगर तभी वो हाथी वहाँ आया और उसने अपने सूंड में भरा हुआ सारा पानी सफ़ेद सफ़ेद कपड़ों पे डाल दिया और सारे कपड़े बिल्कुल गंदे हो गए। और जब सुबह उसके पिताजी आए तो उन्होंने अपने बेटे की बहुत डांट लगाई और कहा कि अब वो महीने भर उसको कुछ भी खाने पीने के लिए अच्छा नहीं। हमने इस कहानी से सीखा कि हम जैसा करते हैं वैसा कभी ना कभी हमारे साथ भी हो ही जाता है, इसलिए हमें हमेशा लोगों के साथ अच्छा करना चाहिए और अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। तो आज की कहानी बस यहीं तक, अगली कहानी में फिर आपको मैम मिलेंगी। तब तक खुश रहो, सेफ रहो और अपने मम्मी पापा का कहना।